नमस्कार, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं आशीष कॉमर्स क्लासेस। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, पिछली वीडियो में हमने जाना कि परिचालन लागत पद्धति क्या होता है और आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है प्रक्रिया लागत पद्धति, जिसे हम प्रोसेस कॉस्टिंग के नाम से भी जानते हैं। चलिए जानते हैं कि प्रक्रिया लागत पद्धति क्या होती है। जब किसी उत्पाद को उसके अंतिम अवस्था तक पहुँचाने में अनेक प्रक्रियाओं से होकर गुजरना पड़ता है तो वहाँ प्रक्रिया लागत पद्धति का इस्तेमाल किया जाता है। यानी कोई ऐसा उत्पादन है जहाँ पे वस्तु को अलग अलग चरणों में विभक्त करके उसका उत्पादन किया जाता है तो वहाँ पे हम प्रक्रिया लागत पद्धति का इस्तेमाल करते हैं। इस पद्धति में प्रत्येक प्रक्रिया अपने आप में पूर्ण तथा अन्य प्रक्रियाओं से भिन्न होती है। जब कभी भी उत्पादन होता है तो जो भी प्रक्रिया होती है, अलग अलग प्रक्रिया होती है, तो हर एक प्रक्रिया अपने आप में पूर्ण होती है, यानी कोई भी प्रक्रिया वेस्टेज नहीं जाती है। और क्या होता है, अन्य सभी प्रक्रियाओं से भिन्न होती है। यहाँ पे मान के चलिए कि कोई एक कपड़ा बनाने वाली कंपनी है। उस कपड़ा बनाने वाली कंपनी में धागा निर्माण अलग होगा, बटन निर्माण अलग होगा, फिर उसके बाद से उसके बीच में जो भी लाइनें वगैरह बनती हैं उसका निर्माण अलग होगा, उस पर रंग लगाने का निर्माण अलग जगह होगा। तो ये सभी क्या है, ये सभी प्रक्रियाएं हैं और ये सभी प्रक्रियाएं अपने आप में स्वतंत्र हैं और सभी और अन्य सभी प्रक्रियाओं से भिन्न हैं। तो इस स्थिति में जिस प्रक्रिया का हम प्रयोग करेंगे, जिस पद्धति का प्रयोग करेंगे हम, उस पद्धति को हम कहते हैं कि प्रक्रिया लागत पद्धति। उदाहरण, रसायन निर्माण उद्योग, वस्त्र निर्माण उद्योग, वनस्पति घी उद्योग, साबुन उद्योग, रंग उद्योग आदि। अब जानते हैं कि उद्देश्य क्या होता है, आखिर प्रक्रिया लागत पद्धति का इस्तेमाल हम करते क्यों हैं, क्या उद्देश्य होता है। इसमें पहला है प्रत्येक प्रक्रिया की लागत ज्ञात करना, यानी जितनी भी प्रक्रिया हमारी हो रही है, धागा बन रहा है तो उसमें मेरा कितना लागत गया, मैंने बटन बनाया तो बटन बनाने में कितना लागत गया, क्योंकि जब हम पूरे एक शर्ट का मूल्य निकालेंगे तो सबका हमको अलग अलग मूल्य मालूम होना चाहिए। दूसरा, उत्पादन प्रक्रिया में होने वाले क्षय का ज्ञान, यानी जितना वेस्टेज हो रहा है, हर एक प्रक्रिया में जितना नुकसान हो रहा है उसका भी ज्ञान होना बहुत जरूरी है। प्रत्येक विधि से लाभ या हानि का अलग अलग ज्ञान। अब हम देखेंगे कि जितनी भी प्रक्रिया ली गई है, सभी प्रक्रियाओं में मेरा कितना लाभ हो रहा है, कितनी हानि हो रही है, इसका भी हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेशन कर सके चलेंगे। चौथा और अंतिम है उत्पादन की लागत ज्ञात करना। और जब हम प्रत्येक चरणों में सभी चरणों का मूल्यांकन कर लेंगे, उनकी लागत ज्ञात कर लेंगे, तो जब हम फाइनल प्रोडक्ट बना के चलेंगे तो फाइनल प्रोडक्ट का लागत निकालने में हमें बहुत आसानी होगा और हम उसकी लागत बढ़िया तरीके से निकाल पाएंगे, साइंटिफिक तरीके से। तो मेरे प्रिय साथियों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हमने इस वीडियो का नोट्स बना करके अपनी वेबसाइट पर डाल दिया है, आप वहां जाकर के इसको विस्तार पूर्वक पढ़ सकते हैं। यदि आपके पास कोई भी प्रश्न हो तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हम फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।